जहां एक ओर प्रदेश की भाजपा सरकार स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण नर्मदा का पवित्र जल प्रदूषित हो रहा है। आपको बता दें कि नर्मदा के जल में प्रदूषित जल और नालों का गंदा पानी भी मिल रहा है। दरअसल नर्मदा नदी में प्रतिदिन कर्मकांड और दाह संस्कार करने वाले लोग मां नर्मदा के जल में राख और अस्थियों के अवशेष प्रवाहित करते हैं, जिससे नर्मदा का जल प्रदूषित हो गया है और पूजा के लायक भी नहीं बचा है। इसके अलावा नर्मदा किनारे की ग्राम पंचायतों में गंदे नाले का भी पानी मां नर्मदा को प्रदूषित कर रहा है। वहीं कुछ नर्मदा भक्तों का साफ कहना है कि जिला प्रशासन को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि भक्त उस शुद्ध जल की पूजा कर सकें।